गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू आवर सिमकामना ब्लॉग। तो हम माथा में पहले ही री ऑयलिंग कर लिया है। कोई भी ऑयल से पहले री ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद हम जो आज हेयर मतलब पैक लगाएंगे तो उसको बस लगा लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद कोई भी शैम्पू से धो लीजिएगा तो वो हेयर पैक आपको पूरा कैरेटिन जैसा बाल देगा। इतना सिल्क, इतना शाइन होगा बाल, आप सोचते ही रह जाइएगा। तो पहले देख लेते उसका प्रोसेस। तो चलिए प्रोसेस दिखा देते, उसके बाद आप दिखाएंगे कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए, ये प्रोसेस बनाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा भिंडी चाहिए। घर में ये दोनों चीज़ हमेशा सबके पास रहता है, ये हमको पता है। तो चलिए ऐसा करके आप थोड़ा सा बालों को ख्याल कीजिएगा, केयर कीजिएगा, तो बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शाइन होगा। तो थोड़ा बहुत बालों का केयर करना ज़रूरी है कि एक टाइम पर आके आपका बाल स्ट्रांग रहेगा, आपका बाल मतलब आप एजेड हो जाएगा, बाल भी सुंदर दिखेगा, तब आपको अच्छा लगेगा क्योंकि हाँ हम थोड़ा बहुत केयर किया था बोल के मेरा बाल आज इतना सुंदर है। जो भी है यहाँ पर हम जो मतलब जो भी जगह में हम इसको उबाल रहा, मतलब जो भी गमले में, तो ये थोड़ा काला हो गया, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि ये ऐसा इसका काम ही है। ऐसा वाला हम उबालते हैं, ऐसा कुछ भी हेयर रेमेडीज करते हैं तो ये काला पड़ गया। तो इसको अच्छा से उबाल लीजिएगा, खाना जैसे मतलब चावल जो दिया था वो खाना में बन जाएगा, देखिएगा ऐसा प्रोसेस में बना लीजिएगा। क्योंकि हम अभी ऑयल लगा लिया, तो चलिए पूरा प्रोसेस देख लिया, तो अभी अप्लाई कर लीजिएगा। हम भी अभी मतलब लक्ष्मी पूजा कर गया, तो आज शुक्रवार है, मतलब फ्राइडे है, फ्राइडे को हम हमेशा सर धोते हैं। तो चलिए हम पहले हेयर पैक को लगा लेते, उसके बाद हेयर वॉश करेंगे। चलिए पूरा प्रोसेस देख लिया कैसे हम बनाया, क्या हम सब आप लोगों को डिटेल्स में बता भी दिया। अभी आ गया आप अप्लाई करने का बारी, तो चलिए थोड़ा सा टाइम अपनों के लिए दीजिए, अपने के लिए कि थोड़ा बहुत एज आ जाए लेकिन मेरा बाल ठीक रहे, बाल ना झड़े। अभी से केयर कीजिएगा तो तब जाके लास्ट में आपका रिजल्ट मिलेगा। देखिएगा लास्ट में आपका सहेली लोग का सब टकला हो जाएगा, आप लेकिन यंग रहिएगा, बाल अच्छा सुंदर रहेगा। और एक तो बंगाली में बोलते हैं नाड़ी केस में बेस, मतलब नाड़ी को केस में बेस दिखते हैं। तो चलिए अप्लाई कर लिया है, उसके बाद हेयर वॉश करके आप लोग को दिखाएंगे रिजल्ट क्या आता है। आप लोग भी ऐसे अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपका बालों का नज़ारा पूरा चमकते हुए, शाइन करते हुए आपका बाल आपके सामने फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए हम पहले नहा के आप लोग को शर्माते हैं। और इस दिन हम जो भी वीडियो शूट लिया था पूरा अर्ली मॉर्निंग लिया था, बिकॉज मेरा बाबू का स्कूल था, मतलब नर्सरी में पढ़ता, तो मेरे को एक घंटे जाके तो बैठना पड़ता है। तो इसी वजह से हम बहुत अर्ली मॉर्निंग जो भी क्लिप लिया था अर्ली मॉर्निंग लिया था, इसी में मतलब पंछी का ज़्यादा आवाज़ हुआ जा रहा था। तो सब लोग इग्नोर कीजिएगा, हम हमेशा बोलते हैं मेरा सेटअप थोड़ा डाउन है, मतलब मेरा सेटअप नहीं है अच्छा से, हमको बहुत मुश्किल से वीडियो बनाना पड़ता है। आप लोग को अगर हम पसंद है तो मेरे को पसंद करके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो यही रिक्वेस्ट है सबको भाई, मेरा बैकग्राउंड, मेरा सामान थोड़ा मतलब इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरे पास हो सकता है कि अच्छा सामान ले है, लेकिन जो भी आप लोग के सामने दिखाता है प्रेस करता है वो पूरा ओरिजिनल है, पूरा एकदम जेन्युइन है। तो देख रहे मेरा रिजल्ट, इससे पहले हम इसमें एक शैम्पू भी लगा था, वो वीडियो आपको इसका पहला वीडियो में हम अपलोड कर दिया, आप लोग देख भी सकते हैं कौन सा शैम्पू यूज़ किया था। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने ना भूलें। ऐसे और अच्छा अच्छा बालों हेयर केयर वीडियो मिलते रहेगा। अब मेरा चैनल अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बालों के हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देंगे। चलिए चलते हैं, आज के लिए ब्लॉग इतना सा ही, छोटा सा एक ब्लॉग था, हेयर केयर टिप्स था, तो ये आप लोग को बहुत फ़ायदेमंद देगा। अगर मेरा वीडियो फ़ायदेमंद दिया तो प्लीज़ छोटा सा एक कॉमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।